द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल कैप्टन, और कह लीजिए द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का फुटबॉल टीम का कैप्टन, जो कि अपने इंडियन फुटबॉल में कंट्रीब्यूशन की वजह से तो ज़रूर जाना जाता है, मगर उससे कहीं ज़्यादा जाना जाता है अपने गांव के लोगों को ट्रीट करने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर टेलीमेरेन आओ के बारे में। जन 28 जनवरी 1918 चांगकी शहर के नागालैंड स्टेट में जन्म हुआ था हमारे डॉक्टर टेलीमेरेन आओ का, जो कि इंडियन फुटबॉल द फ्री इंडियन फुटबॉल के द इंडिपेंडेंट इंडियन फुटबॉल के कप्तान थे, पहले कप्तान। और वो अपने घर में चौथे चाइल्ड थे और उनके टोटल 11 भाई बहनें थे। किसी भी आम बच्चों की तरह इनका भी फुटबॉल का करियर उनके अपने स्कूल से शुरू हुआ था, यानी कि सबसे पहले उन्होंने फुटबॉल खेलना अपने स्कूल में शुरुआत किया था। एंड उससे पहले जो है वो रबर की ही फुटबॉल बना के अपने भाइयों के साथ और बहनों के साथ जो है खेला करते थे, मगर फुटबॉल गेम उनको पहली बार उनके स्कूल में एक्सपीरियंस मिला। एंड उसके बाद इन 1937 उन्होंने जो है कॉटन कॉलेज ज्वाइन किया गुवाहाटी में जो है, और वहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब एथलेटिक क्लब जो कि आसाम का है महाराणा क्लब, वहाँ पे उन्होंने अपनी फुटबॉलिंग करियर को एक स्टेप और बढ़ाया और वहाँ पे बेस्ट फुटबॉलर का भी खिताब जीता अपने पहले ही साल के इंटर स्कूल फुटबॉल चैम्पियनशिप में। वैसे तो डॉक्टर टेलीमेरेन आओ ने एक फॉरवर्ड के हिसाब से अपना फुटबॉलिंग करियर शुरू किया था महाराणा क्लब में, मगर उनकी कहानी कहीं और ही लिखी थी। और इन 1943 द बिगेस्ट फुटबॉल क्लब ऑफ इंडिया मोहन बगान ने उनको साइन किया, और उसके बाद उन्होंने मोहन बगान में सेंटर बैक के रोल के हिसाब से उन्होंने खेलना शुरू किया। और उस वक्त टेलीमेरेन आओ और उनके दो डिफेंडिंग पार्टनर, ये तीनों मिलके कहलाते थे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो जैसा कि हमने बताया कि डॉक्टर टेलीमेरेन आओ हमारे इंडिया टीम के, इंडियन फुटबॉल टीम के पहले कैप्टन थे, और उन्होंने 1948 यानी 1948 में होने वाली ओलंपिक्स जो कि लंदन में हो रही थी वहाँ पे इंडियन फुटबॉल को लीड करते हुए रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे। और इंडियन फुटबॉल ने वहाँ पे कोई मेडल तो नहीं जीता, मगर लंदन में सभी को अपना फ़ैन बना लिया था। इंडियन फुटबॉल टीम की सब तारीफ़ों के पुल लग गई थी। और वो क्यों हुआ था ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, जो कि आएगा हमारा द फॉरगॉटन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में और थोड़े डिटेल में बात करेंगे। मगर ये कुछ हुआ था और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो ज़रूर से ज़रूर देखते रहिएगा। हमारे डॉक्टर टेलीमेरेन आओ इतनी बढ़िया फुटबॉल खेलते थे, वो अपनी फुटबॉल को जानते थे, और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी अच्छी थी कि लंदन में स्थापित क्लब आर्सेनल एफसी, जी हाँ द प्रीमियर लीग क्लब में जो खेलती है आर्सेनल एफसी, उन्होंने उनको ऑफर किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप हमारे टीम को ज्वाइन करिए। मगर यहाँ पे कैसे, आखिरकार जो 200 साल से जिन लोगों ने हम पर राज किया था उनके साथ हाथ मिलाना या फिर उनके पास वापस जाना ये भला कौन ही चाहता था। तो तुरंत यहाँ पे टेलीमेरेन आओ ने उसी वक्त वो जो ऑफ़र है उसे रिजेक्ट कर दिया था। टेलीमेरेन आओ ने ग्रीन एंड मरूनस यानी कि मोहन बगान को लगभग 9 साल जो है उनके लिए खेलते आए 1943 से लेकर 1952 तक, और उन्होंने टोटल 6 मैचेस खेले इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए। उसके बाद उन्होंने जो है फुटबॉलिंग करियर अपना वहीं पे समाप्त कर दिया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों करा उन्होंने ऐसा, तो उसका भी जवाब है। तो 1935 में डॉक्टर टेलीमेरेन आओ के ज़िंदगी में एक बुरा वक्त भी आया था, जब उनके पिता का निधन हो गया था, और उनके पिता का निधन टाइफाइड से हुआ था। और उनके मरने से पहले उन्होंने टेलीमेरेन आओ से ये कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी
नागा पीपल यानी कि वहाँ के नागालैंड के जो निवासी हैं उनको मदद करने के लिए, उनको मेडिकल, उनको जो है मदद जो भी ज़रूरत होगी उसके लिए तुम ज़रूर मदद करना उनको। तो ये वादा रह गया था जो कि निभाना था डॉक्टर तेलिमरेनाओ को। तो इसीलिए उन्होंने जो है अपनी फुटबॉलिंग करियर बहुत ही जल्दी ख़त्म की और उन्होंने जो है राधा गोविंदा कर मेडिकल कॉलेज जो कि वेस्ट बंगाल में है वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट की 1963 में। और उसके बाद जो है सबसे पहली पोस्टिंग उनको जो मिली वो मिली असिस्टेंट सिविल सर्जन की नागालैंड में। और उसके बाद से उन्होंने जो है सिविल सर्जन के हिसाब से भी सर्व किया नागालैंड के पीपल्स को और उनको जो है नागालैंड हेल्थ सर्विसेज का डायरेक्टर भी बनाया गया। इसीलिए नागालैंड के जो निवासी हैं वो उनको फुटबॉलर से कहीं ज़्यादा एक डॉक्टर या फिर बोल लीजिए भगवान का दूसरा रूप जो है उसके रूप में वो जानते हैं। तो डॉक्टर तेलिमरेनाओ का निधन 1998 में हुआ सीजनल वायरल डिजीज़ के वजह से और उनका निधन उसी अस्पताल में हुआ, उसी हॉस्पिटल में हुआ जहाँ पर उनको पहली बार सिविल सर्जन के हिसाब से अपॉइंट किया गया था। तो वैसे तो डॉक्टर तेलिमरेनाओ की ज़िंदगी से सीखने को बहुत कुछ है मगर मैं इस वीडियो में आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा और वो ये है कि मैंने उनसे यही सीखा कि कभी भी अपने आप को किसी सीमा के अंदर नहीं बांध के रखना चाहिए और अगर आप चाहें तो कई सारी चीज़ें कर सकते हैं और कई सारी चीज़ों पर महारत भी हासिल कर सकते हैं या फिर अपने मुताबिक सबसे बढ़िया कर सकते हैं उसको, अपने पूरे वन बाई वन आप ज़रूर उसको हासिल कर सकते हैं जिस तरीके से डॉक्टर तेलिमरेनाओ ने किया। बहुत ही बेहतरीन फुटबॉलर एक टाइम पे थे और उसके बाद डॉक्टर बनके उन्होंने जो है अपने गांव के लोगों को ट्रीट किया और उनको सर्व किया। इसी के साथ मैं जो है ये वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा इसी एक सीख के साथ और मिलूँगा आपको इसी तरीके से किसी और वीडियो पे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और जय।